इससे बस संचालक और महानगरी बस सेवा के ट्रांसपोर्टरों के बीच निगम कायदों को लेकर हुए विवाद के चलते शहर विधायक महापौर ने सिटी कोतवाली पहुंच चर्चा कर मामला शांत कराया। दुर्ग में सिटी बस संचालन की सेवा रविवार से शहर के अंदर से शुरू की जा रही है। इसके विरोध में दुर्ग जिला मिनी बस मालिकों द्वारा नियम कायदों को लेकर बसों को चलाने विरोध जताया गया। इसी कड़ी में सुबह से बस मालिकों द्वारा धरने पर बैठ जाने से पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था की गई। वहीं दुर्ग CSP वैभव बैंकर के नेतृत्व में सिटी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए मुकेश रावत ने बताया कि यह सेवा कोरोना काल के पहले जैसे थी वैसे ही संचालित की जा रही है, जिसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। कुछ गलत जानकारी मिनी बस मालिकों को हो गई है, जिसे बैठक में निर्णय लेकर सुलझा लिया जाएगा। वहीं सुबह विरोध को देखते हुए CSP वैभव बैंकर सेवा को चालू कराकर यात्रियों को रवाना किया। इस संबंध में SDM और दुर्ग CSP वैभव बैंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सिटी बस के संचालन को लेकर की गई है, क्योंकि पहले भी सिटी बस संचालित होते रहा है कोविड पीरियड से, जैसे पहले चलती थी, क्योंकि पहले का ही परमिट जारी हुआ हुआ है, उसी रूट में है, उसी रूट के हिसाब से है। और कोविड से पहले भी सिटी बस संचालित हो रही थी, तो जो रूट थी वही रूट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और जैसा कि उसमें है कि बस स्टैंड के अंदर नहीं जानी, तो बस स्टैंड के अंदर नहीं जा रही गाड़ियाँ। लेकिन जो इस तरह से बस एसोसिएशन वालों का कहना है, जो इनका यूनियन है, उनका कहना है कि वो रूट रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए थी, उसको सिटी के अंदर से ले जाया जा रहा है। वो रूट पहले से निर्धारित है, क्योंकि सिटी बस आपको सबको पता है कि कोविड से पहले भी सिटी बस चल रही थी, और जो रूट है वही रूट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, और पहले परमिशन भी पहले का है। लेकिन हम लोग सिचुएशन के लिए ही उपस्थित है, ऐसा कोई जिस तरह से विरोध है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब विरोध उनका किस बेस पे है वो अलग मैटर है, मगर चूंकि सिटी बस संचालन पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सिटी बस चल रहा है, और जो पहले का नियम था उसी नियम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्या विरोध के बाद भी आप अपने निर्णय पर अड़े हैं कि यहाँ से बस होकर ही जाएगी? प्रशासन का निर्णय है, क्योंकि सिटी बस संचालन होना है। यहाँ पर ये जो मसला है, जो सिटी दो जो सिटी बस के ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में है, हमें शासन के द्वारा इस मामले के लिए अवगत करवाया गया था, जिसके बेसिस पर हमने सारे जो बल है उसको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े यहाँ पर, या किसी भी तरीके से रोड को ना ब्लॉक किया जाए। किसी तरह की कोई चुनौती दी गई है निजी बस संचालकों के द्वारा डिपार्टमेंट को, प्रशासनिक विभाग को? हमें इस बारे में इंटीमेशन मिला था प्रशासन के द्वारा भी और बस ऑपरेटर्स के द्वारा भी, जिसके बेसिस पर हम लोग ये अभी हमारा जो बल व्यवस्था है वो लगाई गई। इस मामले के बढ़ते विवाद को देखते हुए दुर्ग सिटी कोतवाली में बस संचालकों के साथ शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, SDM व दुर्ग CSP की संयुक्त बैठक कर मामले पर चर्चा की गई, जिसके चलते सिटी कोतवाली में बस व्यापार से जुड़े सैकड़ों लोग थाना परिसर में उपस्थित नजर आए। साथ ही इस चर्चा के बाद बस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और शहर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट शासन की जो मंशा है, सबके साथ न्याय हो, सबको शासन की योजना का लाभ मिले, हमारे ये बस मालिक संघ के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा ने सारी बातों को बतलाया कि शासन ने जो निर्णय किया है, शासन ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुरूप हमको चलना है, न कि हमको अपना व्यक्तिगत नियम बनाकर चलना है। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि सिटी बस चलाने के सब पक्षधर हैं, ये भी पक्षधर है, ये भी बस ऑपरेटर है, सब लोग ये तो काफ़ी सीनियर हैं, और 200 ऐसे ऑपरेटर हैं जिनके पास एक एक बस है, तो उनके समक्ष स्थिति थोड़ी विकराल होती जा रही थी। तो उन्होंने एक बात को कहा कि जब बसें, जब वो भी चाह रहे हैं कि सिटी बस चले, लेकिन जो स्टॉपेज बना हुआ है शासन के द्वारा और जो प्राधिकृत अधिकारी का उन्होंने दिखलाया, एक तो आपको सील सिक्का वाला उन्होंने दिखाया प्राधिकृत, और एक खड़ी टाइप किया हुआ दिखाया, तो किसको माना जाएगा? जो प्राधिकृत है उसी को तो ना मानेंगे। तो फिर अब ये ऐसा है कि अब इस कार्य के लिए अभी हमने जिलाधीश महोदय से चर्चा किया, जिलाधीश महोदय ने कहा कि भाई वहाँ पर वायर लिखा हुआ है, स्टॉपेज नहीं लिखा हुआ है, तो जब स्टॉपेज नहीं है तो फिर कहाँ का स्टॉपेज होता है? तो बोले मैं संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी इसका हल निकाल दूँगा। कितनी सी बात, सिटी बस काफ़ी दिनों से चल रही है, हमारा सिटी बस के परिचालन में कोई विरोध नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि आम जनता को सुविधा मिले और अच्छी सर्विस मिले, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है और उनकी इच्छा भी है, हम उसके साथ हैं। लेकिन पिछले एक महीना पहले रायपुर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें माननीय परिवहन मंत्री जी, जो हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और SP साहब सारे थे, उसमें ये था, सब हमने अपनी परेशानी बताई थी कि सारा 200 सिटी बसें, मिनी बसें दुर्ग से रायपुर के बीच में चलती है, एक एक मिनट के टाइम के गैप में,
और ये इतनी सारी और ये सिटी बसें चलेगी तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो, तो मैं ये बात हुई कि भाई 8 बस चलती सर उसकी संख्या कम कर दी जाए। तो उन्होंने बोले ठीक है कितनी कर दें, मैं बोला आधी कर दीजिए, बोले नहीं आधी नहीं एक काम करो 5 कर दो। जबकि उसमें जिसने टेंडर लिया वो भी वहाँ पर मौजूद था, उसके सामने बातें हुई है। तो 8 गाड़ी का 5 गाड़ी हुआ और 1 गाड़ी का जो 3 ट्रिप परमिट था उसको उन्होंने 2 किया। फिर हमने कहा भैया कि अगर एयरपोर्ट की सुविधा के चल रहे हर जगह ये सवारी उठाएगा तो हम मिनी बस वालों को क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये रायपुर से निकलेगा, एयरपोर्ट से निकलेगा रायपुर रुकेगा और रायपुर से सीधा पावर हाउस रुकेगा, पावर हाउस से और नेहरू नगर इंडस्ट्रीज एरिया की एयरपोर्ट की सवारी मिल सकती है। उसके बाद नॉन स्टॉप रेलवे स्टेशन जाएगा और रेलवे स्टेशन से वापसी में न बस स्टैंड जाएगा न रुकेगा और सीधा पावर हाउस और नेहरू नगर रुके नॉन स्टॉप रायपुर एयरपोर्ट जाएगा। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो गई सहमत हो गए, जिसने टेंडर लिया मनीष जैन वो भी था, उसके बाद अब ये उनके पास कोई पेपर नहीं आज की तारीख में। वो ये करते हैं, ये एक तो अपने हाथ से टाइम टेबल बना लिए जो अधिकृत नहीं है। सिटी बस के परिचालन में हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ जो बस सिटी बस का बस स्टैंड में कोई स्टॉपेज नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए आप सिटी बस के स्टॉप, हमने एक ही चीज मांग किया था हमको सिटी बस के कहीं भी रुके चले, लेकिन बस स्टैंड में न रुके और न वहाँ से सवारी ले आए, वो अपना घूमे और निकल जाए सीधा। जब रेलवे स्टेशन से उसको रायपुर जाना है तो वो बस स्टैंड पटेल चौक क्यों आएगा, 50 फुट की लंबी गाड़ी लेके ट्रैफिक राजेंद्र पार्क चौक से अपना राइट टर्न निकले सीधा रायपुर निकल जाए। ठीक है यही था, ठीक है आ रहा है उसको बहुत शौक है तो बस स्टैंड में रुके ना, चलते चलते अपना निकल जाए। आश्वासन क्या उसका परमिट आज की तारीख में उसका परमिट ही नहीं वैलिड, 8 ट्रिप का वो 8 गाड़ी का 3 ट्रिप का परमिट है। आज ये अपनी मर्जी से क्या टाइम टेबल बना के चलाएगा क्या, पहले उसी को सुधरा ले उसके बाद चाहे ऑपरेशन करे ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो जैसे हमने ये परमिट दिखाया यही हुआ है और माननीय विधायक जी ने भी बात किया कलेक्टर साहब से कि जब तक वहाँ से उनका क्लियर मिनट्स नहीं आ जाए या नया परमिट न ले लें तब तक दुर्ग बस स्टैंड के सामने गाड़ी नहीं रोकेंगे, अपना भले चलाए हम बाकी सबको आपत्ति। ठीक, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।